नमस्कार दोस्तों, डीएस सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इंडक्शन चूल्हे का, जो कि हमारे पास है वी गार्ड कंपनी का इंडक्शन चूल्हा। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तथा इसकी अगर ये ख़राब हो जाए तो वारंटी के लिए टीम को कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए इस कंपनी के, ताकि इसको वापस करके या फिर इसको बना के आपको फिर से सही करके दिया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स पे आपको दिख जाएगा 1 ईयर की वारंटी इस पर लिखी गई है। बहुत ही अच्छी कंपनी का चूल्हा है ये, अभी नया नहीं है, इसका बॉक्स पहले से खुला है, क्योंकि मैंने 2-4 महीने पहले लाया था इसको इस्तेमाल करने के लिए और इस्तेमाल किया मैंने, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा चूल्हा है। तो आज हम आपको दोबारा इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर है और इस पर किस किस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको साफ सफाई इसकी कैसे की जा सकती है, किस प्रकार की लाइट पर चलता है ये, और अगर ख़राब हो जाए तो कंपनी से कैसे कॉन्टैक्ट करके इसको वापस सही कराना है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, हम आपको बताएंगे आज इस चूल्हे के बारे में A to Z। चूल्हे को निकाल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा है। दोस्तों, ये है मेरा बॉक्स जो कि पहले से ही खुल चुका था, और इसके अंदर है ये मेरा इंडक्शन चूल्हा, जो कि दिखने में बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है। और ये इसके अंदर मिलता है आपको इंस्ट्रक्शन वाला मैनुअल बुक है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के सारी चीज़ों को जान सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है, पीछे इसका वारंटी का भी सिस्टम इसमें दिया हो गया है, तो इसको कभी फेंकिएगा मत, इसको अपने पास रखिएगा। अब दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं चूल्हे पे, तो सबसे पहले इसको तार को मैं साइड करता हूँ। जी हाँ, तो ये है इंडक्शन चूल्हा, जो कि ये है इसका स्विच, इसको आपको प्लग में खोसना होगा, मतलब लगाना होगा, और इसको लगाने के बाद आप स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ ऑन ऑफ का बटन रेड कलर में दिख रहा होगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएं। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑन ऑफ का जो बटन दिख रहा है, स्विच प्लग में लगाने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद यहाँ से आपको ऑन ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसके बाद इसमें कुछ बटन जो है जो कि ऑटोमेटिक दिया गया है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मिल्क, डीप फ्राई, इडली, करी एंड डोसा या चपाती आपको अगर बनाना हो तो आप डायरेक्ट ये बटन दबा के और सामान को बना सकते हैं। इससे ये होगा कि जो भी कंट्रोल होगा, जैसे करना होगा, ये सब ऑटोमेटिक रहेगा, ये ऑटोमेटिक मशीन, ये जो है इंडक्शन चूल्हा, ये अपने आप उसको कर देगा। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली, मतलब आपके पास कोई और सामान है, मैगी वगैरह या फिर कुछ भी अलग चीज़ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैनुअल बटन दिया गया है, जब इसको आप दबाएंगे तो ये ऑटो सेट पे आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टाइमर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक टाइमर बटन दिख रहा होगा आपको, टाइमर बटन ये होता है बेसिकली कि कितने टाइम तक ये चूल्हा चलेगा और कितने टाइम तक उसको बनाएगा, जो भी चीज़ उस पर बन रहा है। और टाइमर को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे अप प्लस यानी अप, माइनस यानी डाउन के लिए बटन दिया गया है, आप यहाँ से इसको पॉज भी कर सकते हैं। तो ये चारों बटन इसलिए आता है जब आप मैनुअल मोड पे यूज़ करते हो, वरना आपको ऑटोमेटिक ये नॉर्मल चीज़ दूध वगैरह गर्म करना हो, करी बनाना हो, डीप फ्राई वगैरह, तो इसके लिए ऑटोमेटिक बटन दिए गए हैं। दोस्तों, ये 1600 वॉट का है, और ये आपको पीछे दिखा दूँ मैं, तो पीछे यहाँ पे फैन लगा है इसकी गर्मी को बाहर निकालने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सेफ्टी के पर्पज़ पर ये काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया है, पावर दिया गया है 1600 वॉट मैक्सिमम, इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट, 230 वोल्ट पे चलता है दोस्तों ये, तो यहाँ पे अच्छी खासी लाइट की जरूरत होती है। इन्वर्टर वगैरह से मुझे नहीं लगता है कि ये चलता होगा, दिक्कत करता होगा, नहीं चलता है बेसिकली। तो आपको 230 वोल्ट लाइट आ रही हो, AC करंट, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाता है वी गार्ड कंपनी है, देखिए यहाँ पे लोगो दिख रहा है, नाम भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये है हमारा इंडक्शन। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने ये जान लिया कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, पर दोस्तों आप खाना बनाएंगे, खाना घर पे रोज ही बनता है, या फिर आप जब भी बनाएं तो ये गंदा भी तो हो जाता है, जैसे हमारा गैस गंदा हो जाता है, चूल्हा होता है वो गंदा हो जाता है। दोस्तों, अगर ये गंदा हो जाए तो इसको धोना कैसे है? दोस्तों, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बात इस पर आपकी सेफ्टी पर भी आ सकती है, क्या पता आपको करंट लग जाए, आप इसको गलत तरीके से धो दे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इसको धोने के लिए सबसे पहले आपको तो प्लग से निकाल देना होगा, करंट स्विच बंद कर देना होगा, ताकि इसमें किसी प्रकार का करंट ना आता हो, ताकि आपको कहीं से करंट ना लग पाए। दोस्तों, उसके बाद आपको ये जो इसके ऊपर का सरफेस एरिया दिख रहा है, इसको स्पंज जो होता है, मतलब कोई भी या फिर कपड़ा भी ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ही हल्का सा हो, मुलायम सा हो, उसको डिटर्जेंट पाउडर या फिर जो भी आपके पास सर्फ वगैरह हो उसमें घोल के और उसको इसको रगड़ के ऐसे साफ कर देना है। पर दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसको उस समय मत धोइएगा जब ये गर्म हो। जब खाना बनाने के बाद गंदा हो जाए तो कुछ लोग डायरेक्ट ही धोना प्रेफर करते हैं कि जल्दी से धो के काम खत्म करते। नहीं दोस्तों, काम खत्म करने के चक्कर में आपकी बात सेफ्टी पे आ जाए तो आपको करंट लग सकता है और चूल्हा भी आपका खराब हो सकता है। तो दोस्तों, पहले तो आप इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद धोएंगे इसको। और दोस्तों, पहली बात ये भी है, इसको डिटर्जेंट से धोने के बाद अगर पीछे आप देखेंगे तो ये नहीं कि इसको डायरेक्ट पानी में ही डाल दिया जाए, कि सीधे नल के पास गए, टूटी के पास गए, सीधे पानी से धो दिए। दोस्तों, पानी इसमें जाएगा तो ये अंदर ख़राब हो सकता है, तो आपको ध्यान देना होगा
कि उसी स्पंज से आपको ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करना है ताकि पानी उसमें ज्यादा मात्रा में ना जा पाए, थोड़ा बहुत एक दो बूंद जाएगा तो चल जाएगा क्योंकि तो सामान ही ऐसा है। तो हाँ, तो उसके बाद से पानी इसमें डायरेक्टली ना जाए, यानी कि टोटी के सामने पूरा ले गए और पूरा धो दिया चारों तरफ से, नहीं दोस्तों ऐसे नहीं करना है, ऐसे ये खराब हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे धोने के बाद, और मान लीजिए अगर बाई दफे खाना बनाते बनाते या फिर नॉर्मली ये खराब हो जाए तो अब क्या करेंगे आप? तो दोस्तों उसके लिए आपके जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया था ये मैनुअल बुक, ये काम आएगा, जिस जो आपको मैं वापस दिखा दूंगा एक बार। इस पे लिखा है इंस्ट्रक्शन एंड वारंटी कार्ड। तो इंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको दे ही दिया कि कैसे सब कुछ करना है, उसी को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, आप भी पढ़ सकते हैं और आप भी आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा है वारंटी कार्ड जो कि सबसे लास्ट में है, यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी दिखा रहा है, ये लास्ट में है, ये किसी का है और खैर हमारे एक मित्र हैं उन्हीं का है, तो इसमें उनका नाम वगैरह लिखा गया है और ये डेट वगैरह भी इस पे लिखा गया है 27/5/2021 का ही है। और यहाँ पे मुहर लगी है जहाँ जिस दुकान से लिया गया है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, और ये दोस्तों लगा होना बहुत ही ज़रूरी है, ये सब बारकोड वगैरह, अगर ये ना लगा हो तो पता नहीं चल पाएगा ना कंपनी को, जो भी कंपनी उसको पता नहीं चल पाएगा कि रियल है या फेक है या फिर किसी और का है या फिर क्या पता आपने लिया है कि नहीं अच्छे तरीके से। तो प्रॉपर तरीके से मुहर लग जाएगा आपको यहाँ पे, और ये आपको दिखाना रहेगा और आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जब भी आपका सामान खराब हो। देखिए वी गार्ड का यहाँ पे लोगो लगाया और नीचे दिखा गया है वी गार्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड, और इसके नीचे सब दिया है डिटेल्स, और यहाँ पे आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो कि देखिए टोल फ्री नंबर है, ये 1800-103-1300 टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और नीचे एक और नंबर दिया गया जिस पर चार्जेस अप्लाई है, इसमें थोड़े बहुत पैसे भी लगते होंगे, आप मेल भी कर सकते हैं। नीचे इसका ईमेल दिया है customercare@vgard.in। तो दोस्तों आपको कभी भी ध्यान रहे कि जब भी खराब होता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको नॉर्मली पहले तो दुकानदार को कॉल करके बात कर लेना है, और वो भी आपको यही सजेशन देगा कि आप इस पे बात कर लीजिए ताकि आप रजिस्टर्ड हो जाए आपका सामान। उसके बाद ये लोग आपको बता देंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस होगा या फिर दोबारा ये आपको बना के दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।